सत श्रीकाल, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लैके। आखिरकार 17 महीनों के लंबे इंतजार तो बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ते दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नूं वड्डी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया नूं जमानत दे दिती है। सिसोदिया 17 महीनों बाद जेल तो बाहर आउणगे। सिसोदिया नूं इस लई 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया ने जमानत पटीशन खारिज करन दे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट के चुनौती दी सी। हाई कोर्ट ने शराब नीति विच कथित बेनियमिया के मामले च उसकी जमानत पटीशन रद्द कर दी सी। मामले की आखिरी सुनवाई 29 जुलाई नूं हुई सी। हुण तुहानू दर्शकों नूं इत्थे दस दईए कि जे सिसोदिया बाहर आ गए ने तां उहनां नूं कुछ शर्तां ते बाहर रहना पवेगा। इस दे नाल ही ओह हर सोमवार वाले दिन थाने विच जरूर हाजिर होणगे। इस दे नाल ही कोर्ट वल्लों उहनां दा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। इस तों इलावा मनीष सिसोदिया CM दफ्तर तक जरूर जा सकणगे, क्योंकि आज के शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में सत्रह महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है डिसमिस, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। यह बात कोर्ट ने कही। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है ऐसे मामले में जिसमें हजारों, 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल को तो 10 साल लगेंगे। तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करे जेल में रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की लोअर जुडिशरी के बारे में, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए, उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू माय लॉर्ड, 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया। और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश के सबसे बड़ी अदालत ने कही कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन, एक बेगुनाह जिसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29-21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज अ मैटर ऑफ राइट।
क्या ये बात हमारे हाई कोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को खास तौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खास तौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में, कि इसके अंदर कोर्ट्स हिचकिचा रहे हैं, बेल नहीं दे रहे हैं, सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंततः सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी पड़ रही है। पंजाब सरकार खेतों नूं नहरी पानी देने लिए पूरी तरह सरगर्म है। भगवंत मान सरकार वालों हुण मालवा नहर के नाल नाल दशमेश नहर बनाउण दी रणनीति भी शुरू की गई है। इस नहर के नाल पंजाब के तीन जिलों रूपनगर पटियाला ते मोहाली विच पानी की कमी दूर हो सकती है। पंजाब सरकार ने इस तो पहला मालवा नहर बनाउण दा ऐलान किया सी। जानकारी के मुताबिक जल स्रोत विभाग ने रूपनगर पटियाला ते मोहाली के 58 पिंडों का जमीनी रिकॉर्ड मंगया। इस दे नाल ही रिकॉर्ड की प्राप्ति लिए नहरी पटवारियों दी ड्यूटियां भी ला दित्तियां गईआं। पहला इस नहर ने मोहाली शहर च शामिल पिंडां च लंघना सी, हालांकि हुण विभाग ने बनूर नेड़े पिंडां दा रिकॉर्ड मंगिया। इस संबंधी उपमंडल हुशियारपुर वल्लों पत्र जारी किया गया है ते इस तो बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पंजाब विधानसभा विच दशमेश नहर दा मुद्दा उठाया गया सी, क्योंकि डेरा बसी दे नाल लगदे करीब 50 पिंडां नूं हर साल सोके दा सामना करना पैंदा। इस कारण उत्थों दे लोकां नूं पीण वाला पानी लैण च भी दिक्कत पेश आउंदी है, उत्थे ही फसलां भी प्रभावित होंदियां ने। हालांकि उस समय सरकार ने यह कहा कि अजे तक किसी भी नहर की कोई योजना नहीं है। दस दें कि पटियाला मोहाली फतेहगढ़ साहब जिलों के 3.21 लाख एकड़ रकबे में सिंचाई लिए 900 क्यूसिक पानी मुहैया कराने की योजना तहत 1999-90 24,000 तो 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन एक्वायर की गई। SYL नहर के विवाद तो बाद दशमेश नहर की योजना उस समय कैप्टन कमलजीत सिंह ने बनाई सी, ते इस दे नाल ही SYL दियां दो स्कीमां अपर ब्रांच ते लोअर ब्रांच के नाल नूं दशमेश नहर का नवा नाम देने लई केंद्रीय जल कमिशन नूं भेजा गया सी, पर ये नाम रद्द कर दिता गया सी ते हुण स्कीम नूं दोबारा शुरू करन ते विचार किया जा रहा है। इहदा कारण यह है कि पंजाब विच पानी का पद्धर 600 फुट तो हेठां चला गया। हालांकि इस प्रोजैक्ट की मंग नूं सालां तों कीती जा रही सी। 2019 पिछली कांग्रेस सरकार वालों विधानसभा दसिया गया सी कि नहर संबंधी समस्या पंजाब तो नहीं सगो हरियाणा तो आएगी, क्योंकि यह मामला फिर वाटर कमिशन को जाएगा। इसका कारण यह है कि SYL लिंक तो ही पानी चुकना है, तो जिहे च पंजाब नूं अपना पक्ष नवे सिरे तो पेश करना होगा। हालांकि उस समय इस मामले में लैके एक कमेटी भी बनी सी। बेशक कांग्रेस सरकार वेले इस प्रोजैक्ट बारे कोई काम नहीं होया, पर हुण आम आदमी पार्टी की सरकार एक्टिव होगी। दो हज़ार क्यूसिक तो बद नहर इधरले पासे चलूगी। हुण इहदे की होगा, हुण रास्ता नहीं विचाले आ गई, आले दुआले अपनियां ने दोनों। अज इत्थे आपां बैठे हाँ, 6 महीने तक कोई 8 महीने तक इत्थों दी नहर निकल रही हो, इत्थों जाऊगी नहर, और तुहाडे आ खेतां नूं मोगे निकल रहे हो। धरती चों पानी कढ़णा बंद करोगे, ट्यूबवैल बंद करोगे, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत गुरु नानक साहब दा बचन थोड़ा बहुत सिद्ध कर देंगे, सही है, नहीं तो खाई जाने, धरती में भी खाई जाने, हवा में भी खाई जाने, पानी में भी खाई जाने। सो ता करके मैं थोड़े को आजादी तो बाद पहली नहर बन लगी है, 1947 च आजादी मिली सी। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजू ने लोकसभा विच वकफ बोर्ड सोध बिल पेश किया है। विरोधी पार्टियां दी आलोचना तो बाद घट गिनती मामलों के मंत्री किरण रिजू ने इस वकफ बिल 2024 नूं संयुक्त संसद कमेटी नूं भेजन की सिफारिश की। इस मामले में लैके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल का कहना है कि भाजपा की अगवाई वाली भारत सरकार नूं देश की वड्डी मुस्लिम आबादी नूं भरोसे च लए बिना वकफ बोर्ड एक्ट सोध बारे कोई भी फैसला लैण तो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यह वकफ की संपत्ति की सांभ संभाल का मुद्दा है। इस कारण मुस्लिम भाईचारे नूं सारियां प्रस्तावित सोधां बारे जाणू करवा के उन्हां दी मंजूरी लैनी जरूरी है। इस तों पहलां भी केंद्र सरकार ने सिख कौम की मिनी पार्लीमेंट श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ के हरियाणा लई वक्री गुरद्वारा कमेटी बना दिती सी। इस नाल सिख कौम विच अज भी भारी रोस ते दुख दा माहौल है। घट गिनती भाईचारियां नूं भरोसे च लए बिना जिहे इक पासड़ फैसले उन्हां नूं बेगानगी दा अहसास कराउंदे ने। इस कारण केंद्र वल्लों लए जाण वाले जिहे मन माने फैसले कदे प्रवान नहीं कीते जा सकते।
खबरां नाल संबंधित जानकारी लेके फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।